दोस्तों आगे कैसे हुआ था आदिशक्ति माता दुर्गा का जन्म। दोस्तों हिंदू धर्म की एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक बहुत ही भयानक असुर था। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की, उनसे अमर होने का वरदान मांगा, परंतु यह संभव नहीं था। फिर महिषासुर ने कहा कि मुझे देवता दानव मानव कोई न मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने महिषासुर को यह वरदान दे दिए, जिसके बाद महिषासुर का आतंक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। महिषासुर सभी देवी देवताओं को बुरी तरह से परेशान करने लगा। उस असुर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता फिर देवों के पास गए। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज से एक देवी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने उस देवी को अपनी अपनी शक्तियाँ दिए। भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र और ब्रह्मदेव का कमल जैसे कई देवी देवताओं ने उस देवी को अपनी अपनी शक्तियाँ दिए। उन सभी की शक्तियों को मिलाकर माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली थे। माता दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी। शेर पर सवार माता दुर्गा के कई अनेकों हाथ थे। जब महिषासुर और माता दुर्गा का आमना सामना हुआ तो वह भीषण युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। दोस्तों हिंदू धर्म में इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कमेंट में जय माता दुर्गा जरूर लिखना।